हे कॉलेज स्टूडेंट्स आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज पी एच आई सी वन थ्री वन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्एस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी थ्री हंड्रेड सी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का सेवन्थ पार्ट है जिसमें हम इंस्क्रिप्शन एंड मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पार्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड इंस्क्रिप्शंस तो अब हम इंस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे अभी तक हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की स्टडी किए थे उसमें हम कॉइन्स को देखे थे अब हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करेंगे तो ये इंस्क्रिप्शंस क्या है ठीक है वॉट इज़ एन इंस्क्रिप्शन तो इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन के बारे में इसमें दिया क्या गया है यहाँ पर बताया गया कि इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियलाइबल सोर्सेज है इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउ ठीक है अगर इंस्क्रिप्शन इतना ही इंपॉर्टेंट है इतना ही रिलायबल है तो कैसे कुछ तो रीज़न होगा ना जैसे थ्रू वो वो है वो रिलायबल है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं बहुत ईजिल कि वो इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकता है तो इसका आंसर ये है देखो जो इंस्क्रिप्शन्स होता है ना वो हमें बिना किसी इंटरपोलेशंस के मिलता है जिस भी समय इंस्क्रिप्शन बना है या फिर जिस भी समय वो पत्थरों के बीच में दब गया है चट्टानों के बीच में दब गया है मिट्टी के बीच में दब गया है या जिस भी समय वो खुदाई में हमें बाहर निक निकला है तो इंस्क्रिप्शन हमको सेम फॉर्म में मिलेगा और आप बोल सकते हो एक ओरिजिनल फॉर्म में कंप्लीट फॉर्म में आपको उसमें कहीं भी कोई भी इंटरपोलेशन देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी आपको कोई एरर्स देखने को नहीं मिलेगी वो आपको एक ओरिजिनल फॉर्म में ही नजर आएगा ये सारी चीज़ें आपके अदर सोर्सेज के साथ नहीं हो सकती अदर सोर्सेज़ इट मीन्स आपके लिटरेरी सोर्सेज के साथ क्योंकि जब लिटरेरी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं लिटरेरी सोर्सेज को सॉफ्ट मटेरियल पे बनाया जाता है सॉफ्ट मटेरियल इट मीनस पत्ते के ऊपर है ना पेड़ के छाल के ऊपर पेपर के ऊपर ये जो चीज़ें हैं ये समय के साथ ख़राब होने लगती है फ्रेजाइल होने लगती है वीक होने लगती है और एक टाइम के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है हमें नहीं मिलती तो सोचो आज से कितने साल पहले हजारों लाखों साल पहले ये सब चीज़ें बनी थी तो वो अब तक कैसे जिंदा रह पाएगी तो जो सॉफ्ट मटेरियल पे चीज़ें बनी होती है ना जैसे कि आपका लिटरेरी सोर्सेज हो गया पेपर वगैरह ठीक है पत्ते वगैरह पेड़ों के छाल वगैरह उसको जिंदा रखने के लिए हमें बार बार उसको एक नए फेज़ में कॉपी करना पड़ता है ढालना पड़ता है क्योंकि पुरानी चीज़ें ख़राब होने लगती है लेकिन इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं है पत्थरों पर जो भी चीज़ें लिखी है वो तो सालों साल हज़ारों साल चलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो जिस समय बनी है जैसा बना है वो वैसा ही हमें आज के डेट में खुदाई में मिलेगी तो इंस्क्रिप्शन में कोई भी आपके इंटरपोलेशन देखने को नहीं मिलेंगे उसमें कोई भी एड अलग से आप नहीं कर सकते या फिर उसमें आपको कोई भी एरस देखने को नहीं मिलेंगे तो यही एक रीजन है कि इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रियलायबल सोर्सेज है अब हम ये तो समझ लें कि इंस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है कितना रियलायबल है अब हम ये देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन ये है क्या चीज़ वॉट इज एन इंस्क्रिप्शन अगर ये क्वेश्चन आए तो हम उसमें क्या आंसर लिखेंगे देखो जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है उसको हम इपिग्राफी बोलते हैं जैसे कॉइंस की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक बोलते थे इसीलिए इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना इतना इजी नहीं है क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो चीज़ें लिखी होती है ना वो हर फेज में हर अलग लैंग्वेज हर अलग स्क्रिप्ट में लिखी होती है इसको समझने के लिए इसकी स्टडी करने के लिए एक अलग से टर्म बनाया गया है या फिर बोल सकते हो इसको एक अलग सा नाम दिया गया डेफिनेशन दी दे गई इस ईपिग्राफी ठीक है तो इंस्क्रिप्शन्स की स्टडी को हम ऐपिग्राफी बोलते हैं अब इंस्क्रिप्शन क्या है इंस्क्रिप्शन लिखावट है ठीक है बनावट है लिखावट है किसी भी पत um, uh, बोल सकते हो आप स्ट्रॉन्ग चीज़ पे या फिर हार्ड चीज़ पे जैसे कि आपका सील हो गया जो भी सील जो न... छापा लगता था सील्स वगैरह आपके कॉपर प्लेट्स हो गए तांबे के आपके प्लेट्स हो गए या फिर दीवार हो गए मंदिरों के महलों के या फिर कोई भी बोलते ना राजा महाराजा के पास तो बहुत सारे महल थे उसके दीवारों में उसके रूम में मंदिरों को दीवारों में मंदिर भी बनवा राजा महाराज थे वो मंदिर भी बनवाते थे एंड वहाँ पर अपनी प्रशंसा में वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन्स लिखते थे जैसे कि अशोकन हम अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं अशोका जो लीडर था जो किंग था उन्होंने अपने लिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए थे उन्होंने अपने दम्मा से रिलेटेड बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए थे तो उसी तरीके से इंस्क्रिप्शन को बनाया जाता है ठीक है स्ट्रॉग चीज़ों में ताकि वो सालों साल चले वो जिंदा रहे ठीक है वुडन टेबल टैबलेट्स हो गया मतलब uh, लकड़ी की चीज़ों पर इंस्क्रिप्शन किया हुआ ठीक है स्टोन पिलर्स बड़े बड़े स्टोन की जो पिलर्स होती है पत्थरों की जो पिलर्स होती है उस पर लिखावट होती है रॉक सर्फेस ठीक है पत्थर वाली सर्फेस पे ठीक है ईंटा हो गया इमेजेस हो गया कई बार मूर्तियों के uh, आसपास भी मूर्तियों पर भी आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे तो ये सारे इंस्क्रिप्शन होती है हार्ड सर्फेस फेस पे हार्ड चीजों पे लिखावट ठीक है तो इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जो स्क्रिप्ट है इंस्क्रिप्शंस की मतलब जो भी लिपि है जो भी स्क्रिप्ट है वो हमें हिस्टोरियंस को बहुत तरीक़ों से हेल्प कर सकती है बहुत तरीक़ों से हेल्प करती है जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है आज तक जो माना गया जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो आपका हरप्पन इंस्क्रिप्शन है और हरप्पन स्क्रिप्ट है वो करीबन पच्चीस साल बी सी का इंस्क्रिप्शन है एंड वो आज तक अनडेसीफर्ड है मतलब उसके लैंग्वेज को उसके स्क्रिप्ट को आज तक नहीं समझा जा सका है ओके okay, तो अब देख हमने ये समझ के कि सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन था अब हम ये देखते कि वो इंस्क्रिप्शंस कौन था जो कि सबसे पुराना था एंड जिसको सबसे पहले समझा भी गया था जिसको अभी तक हम जान चुके हैं तो वो था आपका अशोकन एडिक्स अशोकन इंस्क्रिप्शन ये बहुत पहले का इंस्क्रिप्शन है एंड ये डेसी फोर्ड है इसको जो हिस्टोरियंस थे वो समझ चुके हैं इसकी लिपि को इसके स्क्रिप्ट को वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ये जो अशोकन ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी आपको रॉक सर्फेस पे मिलेंगे आपको स्टोन पिलर्स में देखने को मिलेंगे ऑल ओवर द इंडियन सब क्योंकि जो अशोकन एम्पायर था वो बहुत ही फैला हुआ था बहुत ही डेवलप विकसित बोल सकते हो ठीक है बहुत ही सक्सेसफुल था एंड जो आपकी अशोकन स्क्रिप्ट है वो आपको चार स्क्रिप्ट में देखने को मिलेंगे चार अलग अलग लिपि में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसको बनाया गया था तो जो पहली लिपि है वो है आपकी अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट ये आपकी जो अफगानिस्तान का जो एरिया है आज के डेट का उस समय का तो वो पूरा इंडिया सबकटिनेंट ही था तो जो अफगानिस्तान का जो एरिया वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है अशोकन की वो हमें अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में मिली है ठीक है ना गांधार का जो रीज़न है ठीक है वो उसमें हमें करोस्ती स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है देखो ये जो खरोस्ती इंस्क्रिप्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है खरस्ती जो लैंग जो स्क्रिप्ट है वो हमें इंडियन लैंग्वेज की वर्णमाला सिस्टम में डेवलप्ड होते हुए दिखी है वो इसी वर्णमाला सिस्टम में डेवलप हुई है ठीक है और ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है जैसे कि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को जो खरोस्ती होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है इस फॉर्म में ओके और बाकी के जो बचे हुए एम्पायर्स हैं आपके अशोकन के वहाँ पे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे चाहे वो आपका नॉर्थ या फिर साउथ ही क्यों ना हो जाए तो यहाँ पे हमें चार स्क्रिप्ट देखने को मिली जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में यूज़ की गई थी आपका हो गया अरमिक ग्रीक खरोस्ती एंड ब्राह्मी ये चार स्क्रिप्ट्स नाउ ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था अशोकन एम्पायर के बाद या फिर बोला जाए अशोका रूलर के बाद और भी बहुत सारे किंग्स के द्वारा इसको यूज़ में लाया गया और भी जो अदर किंग्स थे वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करने लगे एज देयर स्क्रिप्ट ठीक है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का वो यह है कि जो इसके इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं हर एक लेटर्स सेंचुरी बाय सेंचुरी आप इसके मॉडिफाइड होते रहते हैं ठीक है डेवलप होते रहते हैं खुद में ही विकसित होते रहते हैं एंड इसी के थ्रू इंडिया का बहुत सारा जो स्क्रिप्ट है आप बोल सकते हो जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम नागरी गुजराती बंगाली ये आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुए हैं ये जो मॉडिफिकेशन है आपके इंडिविजुअल लेटर्स का ठीक है इसका एक अलग ही एडवांटेज है इसके थ्रू हमें एक मोटे तौर पे अंदाज़ा ये पता चल सकता है कि कौन से ईयर में या फिर कौन से सेंचुरीज़ में जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए क्योंकि सारे इंस्क्रिप्शन एक ही टाइम में नहीं लिखे गए कितने सारे राजा आए कितने सारे महाराजा आए कितनी सारी डायनेस्टीज़ बनी सबने इंस्क्रिप्शन लिखा है तो सब अलग अलग टाइम में अलग अलग पीरियड में अलग अलग सेंचुरी में लिखी गई थी तो इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है मोटे तौर पर आमतौर पर कि कौन सा सेंचुरीज़ में कौनसक्रिप्शन लिखी गई होगी नाव ये जो डेवलपमेंट है स्क्रिप्ट की इसकी स्टडी को हम पेलियोग्राफी बोलते हैं ओके okay. नाव अब देखो यहाँ पे अशोकन अल्फाबेट्स के बारे में बताया जा रहा है तो ये जो अशोकन अल्फाबेट्स थी जो कि अशोका के टाइम पीरियड में प्रेजेंट थी जिसको कि अशोका के टाइम पीरियड में लोग यूज़ करते राइटिंग्स के लिए इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए तो ये जो अल्फाबेट्स थी अशोकन की उसका चार्ट को पूरा कंप्लीट करने का क्रेडिट आपके जेम्स प्रिंसप को जाता है जेम्स प्रिंसप कौन है भाई इसका नाम यहाँ पे क्यों डाला गया जेम्स प्रिंसप एक्चुअली एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के ठीक है ये एक इंग्लिश स्कॉलर थे ओरिएंटलिस्ट थे एंड एक एंटीक्वायरी थे इनको इनकी खरोश् एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के लिए बहुत जाना जाता है ठीक है तो इन्होंने ही अशोकन अल्फाबेट्स के चार्ट को कंप्लीट किया ओके इसके बाद से ये जो स्टडी थी एपिग्राफी का वो अपने में ही एक सभ्यक्ट सब्जेक्ट बन गया था मतलब लोग एपिग्राफी में एपिग्राफी को स्टडी करने में रुचि दिखाने लगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था ये अपने में ही एक क्लास था मतलब इसका अपना ही एक लेवल था बहुत ही खास बहुत ही बेहतरीन ठीक है देखो ये जो कि जो भी आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे या फिर आप एक तरीके से ले लो कि जो भी इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं जो भी प्रेजेंट है वो एक तरीके से ना ज्यादातर एडिक्स होते हैं इट क्या कि जो राजा के जो ऑर्डर्स होते हैं फरमान जो राजा फतवा जारी करता है फरमान जारी करता है जो ऑर्डर्स देता है अपने टाइम पीरियड में वो उसी पर बनाए जाते, है। जाते हैं ज्यादातर इसलिए इसको एडिक्ट बोला जाता है ठीक है फरमान बोला जाता है और तो और हमें इंस्क्रिप्शन से और भी चीजें क्या देखने को मिलती है हमें राजा के बारे में देखने को मिलती है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में देखने को मिलती दे। जैसे कि अगर अशोका के रीजन में देखा जाए अशोका के टर्म में देखा जाए तो हमें अशोका के बारे में देखने को मिले कि हाँ ठीक है वो कितना दयालु था हालांकि वो पहले नहीं था बट जो कलिंगा का युद्ध था कलिंगा का जो वॉर था उसमें बहुत सारे खून खराबे को देख करके ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था अंदर से वो सहम गया था जिसके बाद से उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो छोड़ दी थी ठीक है तो उसके बारे में बताया जाता है ये जो भी इंस्क्रिप्शन्स है ये हमें राजा की एक झलक दिखाती है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें बताती है देखो नौ यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे ये अपने में ही एक फेयरली डेवलप्ड स्क्रिप्ट थे देखो अब ये था कैसे इंस्क्रिप्शंस जो भी लिखना चालू हुए थे वो सिर्फ़ अशोका के पीरियड से ही लिखना चालू नहीं हुए थे उससे पहले भी प्रेजेंट थे आप ये भी मान सकते हो कि उससे पहले राइटिंग्स भी प्रेजेंट थी ऐसा माना जाता है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ही डेवलप होना स्टार्ट होती है कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है एंड तब जाकर के वो टॉप पर पहुँचती है इट मीन्स अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन था उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे से बहुत ही फेयरली डेवलप था तो जो हिस्टोरियंस थे वो ये एज्यूम करते थे कि जो राइटिंग है वो बहुत पहले से चली आ रही है तब जाकर के जो अशोकन के इंस्क्रिप्शन थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, है? लोग यूज करते थे जो, कि आज की में उसका जो भी अवशेष बच गया है। जो भी टुकड़े वो निकल रहे हैं तो उसमें जो भी पॉट हम शेड्स हमें मिले थे अनुराधापुरा श्रीलंका की जो खुदाई थी अनुराधापुरा एरिया की उसमें जो भी हमें पॉट शेड्स मिले थे उसमें छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट थे जो कि करीबन प्री मॉडर्न पीरियड का जो टाइम था वो हमें बताता है एटलीस्ट फोर्थ सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड था वो हमें बताता है इट मीन्स जो क्राइस्ट का जन्म था क्राइस्ट का जन्म जब भी मैं बोलूँ आपको ये मैं आपको टाइम बताने के लिए बोलता हूँ टाइम बताने के लिए इट मीन्स की ताकि आपको एक टाइम का परफेक्ट क्लू मिल जाए देखो क्राइस्ट का जन्म इट मीन्स कि एकदम जीरो जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ उससे पहले का जो भी टाइम है वो आपका बी सी ई एंड उसके बाद का जो भी टाइम है वो आपका ए डी या फिर सी ई तो क्राइस्ट के जन्म से करीबन 400 साल पहले का जो टाइम पीरियड था वो आपका प्री मॉरियन पीरियड था एंड उस एन ये जो अनुराधापुरा जो श्रीलंका का जो एक्सकवेशन हुआ था अनुराधापुरा एरिया का उसमें जो भी पॉट शेड्स निकले थे वो इसी टाइम पीरियड को प्री मॉरियन पीरियड को बता रहा है ओके okay. नाउ अगर और देखिए तो जो सबसे अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली है वो हमें फर्स्ट सेंचुरी बीसीई की मिली है जो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन था रुद्रदामन का उसको सबसे पहला एग्जाम्पल माना जाता है एक प्योर संस्कृत लैंग्वेज का उसमें हमें संस्कृत लैंग्वेज का प्योर फॉर्म देखने को मिला था ये करीबन दो सेंचुरी सी का लिखा हुआ इट मीन्स क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद ओके okay. हाँ. जो भी अर्ली इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज के मिक्सचर देखने को मिलते हैं फाइव सेंचुरी सी जिसको कि करीबन 5 सेंचुरी सी CE में हटा करके सिर्फ संस्कृत को एज अ लैंग्वेज माना गया रॉयल इंस्क्रिप्शन्स का मतलब उसको एज़ अ परफेक्ट लैंग्वेज माना गया रॉयल इंस्क्रिप्शन का उसके बाद सारे रॉयल इंस्क्रिप्शन्स में हमें सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही देखने को मिले थे ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे ये बहुत तरीके के होते थे बहुत अलग अलग तरीके के एक ही तरीके के इंस्क्रिप्शन आपके पास प्रेजेंट नहीं थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट थे और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन थे अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल थे अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे वो एक तरीके के रॉयल ऑर्डर्स होते थे राजा के द्वारा जो दिए गए फरमान होते थे ऑर्डर्स होते थे वो उस टाइप का इंस्क्रिप्शन था अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे जो भी ऑर्डर दिए जाते थे राजा के द्वारा अपने राज्य के लोगों के लिए अपने बोल सकते हो किले लोगों के लिए ठीक है अपने ऑफिशियल्स के लिए अपने जनरल लोगों के लिए तो वो सारे ऑर्डर्स को इंस्क्रिप्शंस में लिखाए गए थे जितने भी इस उसमें वही सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट थे ठीक है कुछ और इंस्क्रिप्शन भी है जैसे कि हमारे पास लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये जो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये इंस्क्रिप्शन एक तरीके का कॉम मेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है आ, इसको अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो ट्रैवल डायरी आज के डेट में आज के प्रेजेंट डेट में हम इंस्टाज पे अपनी स्टोरीज डालते हैं हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं हम इंस्टास पे लोकेशन डालते हैं हैशटैग्स डालते हैं तो उसी तरीके से सेम एंशियंट टाइम में चले जाओ क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी एंशियट टाइम में चले जाओ उस समय लोग ट्रैवल डायरी को एज अ इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट करते थे मतलब कहीं भी गए हैं कहीं भी घूम के आए हैं तो उसको एज अ इंस्क्रिप्शन वो प्रेजेंट करके रखते थे छाप करके रखते थे कि हाँ भाई हम यहाँ यहाँ गए हैं यहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें देखें उसी तरीके से जो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन से अशोका का वो एक ट्रैवल डायरी इंस्क्रिप्शन है आप बोल सकते हो जब वो पहली बार लुम्बिनी गए थे जो कि बुद्धास का बर्थ प्लेस है ठीक है तो उसके बारे में उस इंस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं ठीक है ये जो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आज के डेट में नेपाल में प्रेजेंट है ओके okay. कुछ और भी तरीके के इंस्क्रिप्शन थे जो कि मेमोरियल इंस्क्रिप्शन थे मेमोरियल इंस्क्रिप्शन मतलब किसी की याद में किसी पर्सन की याद में किसी इवेंट की याद में ठीक है इसमें कौन कौन से इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं इसमें आप जाते हैं तो आपके सती स्टोन्स एंड तो तो हीरो स्टोन्स ये सती स्टोन्स एंड हीरो स्टोन्स क्या है देखो तो सबसे पहले हम हीरो स्टोन्स को देखते हैं कि आखिर ये हीरो स्टोन्स क्या है ओके जब पहले युद्ध होता था बैटल्स होती थी तो बहुत सारे जो योद्धा होते थे वो अपना जान त्याग देते थे उनकी जान चली जाती थी ठीक है तो उनकी याद में उन योद्धाओं की याद में ये सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे ये इंस्क्रिप्शन एक या दो प्रेजेंट नहीं ये इंस्क्रिप्शन लाखों नंबर में प्रेजेंट है क्योंकि पूरे इंडियन सब सबकिनेंट में बहुत सारे रीजन्स थे जहाँ पे युद्ध होते थे बहुत सारे रीजन्स में जो भी आप, आपके योद्धा थे वो अपना जान गवाते थे तो एक ही इंसान तो नहीं गवाता है ना बहुत सारे आपके जो फाइटर्स होते थे जो योद्धाएं होते थे वो लड़ते थे तो उनके नाम पे अलग अलग, अलग योद्धा के नाम पर इंस्क्रिप्शन्स बनाए गए ये सारे इंस्क्रिप्शन बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट है ऑल ओवर द इंडिया में सेम सती स्टोन सती स्टोन्स क्या देखो जो योद्धा मर गए उनकी वाइफ बच गई पीछे ठीक है तो वो जो वाइफ है वो अपनी प्योरिटी के लिए जो सती करती थी उनके नाम पे भी इंस्क्रिप्शंस बनते थे जो जो फीमेल्स जो सती करती थी उनके नाम पे इंस्क्रिप्शन बनते कि हाँ कि हाँ ये फीमेल ने सती किया इनके हस्बैंड के डेथ के बाद एंड उनके नाम पे वो इंस्क्रिप्शन बनती थी ठीक है अब कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी थे जो कि डोनेटिव इंस्क्रिप्शन थे डोनेटिव इंस्क्रिप्शन मतलब दान वाले वो सारे इंस्क्रिप्शन में दान के बारे में लिखी जाती थी देखो होता क्या था जो भी राज्य के धनी लोग होते थे ठीक है जो भी राज्य के राजा जो भी ऊँचे लेवल के लोग होते जिनके पास बहुत पैसा होता था वो दान पुण्य करते थे तो मान लो किसी मंदिर बनाने में उन्होंने अपना डोनेशन दिया किसी महल को बनाने में उन्होंने अपना डोनेशन दिया तो उनके लिए इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे उनमें उनके बारे में लिखी जाती थी कि हाँ इन्होंने इतना ध्यान दिया जैसे कि आज के डेट में आप देखोगे आज के टाइम में भी अगर कहीं पर मंदिर बना है तो वहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली ये सब गाँव एरिया में बहुत ज़्यादा होता है विलेजेस एरिया में ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कोई मंदिर बनाए बहुत अच्छे मंदिर है तो उसके आगे में आप आ, देखोगे पत्थर पे लिखा रहता है अच्छे से पेंट किया हुआ कि हाँ भाई इसने इस मंदिर को बनवाया है इसने दान दिया ये इसकी ज़मीन है तो उसी तरीके से सेम ये सारी चीज़ें ये सारे आइडियाज हमें आज के डेट में कहाँ से आते ये सारे आइडियाज हमें अपने पास से ही तो आते हम हमारे एंशियंट टाइम से ही आते ठीक है तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रेजेंट थी ओके okay. नाउ इसके अलावा और भी कुछ इंस्क्रिप्शन थे जिसको रॉयल लैंड ग्रेंड्स बोला जाता है ये रॉयल लैंड ग्रेंड्स ये कौन सा इंस्क्रिप्शन था देखो जो होता जो जो रीजन के जो बहुत ही धनी लोग होते थे या फिर जो राजा होते थे वो दान पुण्य के मामले में जमीन दान पे देते थे जो भी लैंड होता था वो दान में देते थे चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर और कोई भी दान पुण्य का काम हो उनमें जो दान में देते थे तो इन सारे इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी उनके लिए कि हाँ इन्होंने इतनी सारी जमीनें इस ब्राह्मण को दान में दी या फिर इन्होंने इतनी सारी जमीनें इस यज्ञ के कारण इस दान में दिया इस तरीके से इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे इस इंस्क्रिप्शन की खास बात ये थी कि ये कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे इसको देख के पता चल जाता था कि हाँ ये एक लैंड इंस्क्रिप्शन है ओके okay. ना अब अगर आप देखोगे ये जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन है एंड ये जो रॉयल लैंड ग्रैंड इंस्क्रिप्शन है इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में कितने तरीके से हेल्प कर सकती है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रॉयल लैंड ग्रेंड इंस्क्रिप्शन है ये जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या होता है इसमें हमें जीनियोलॉजी मिल जाती है वंशावली मिल जाती है जिस भी इंसान पर यह इंस्क्रिप्शन बनते जिस भी इंसान के नाम पर इंस्क्रिप्शन बनते थे तो उनके जो पूरे वंश होते थे कि हाँ ये इनका पोता है ये इनका बेटा है इनके परदादा ये थे या फिर इस ये राजा का बेटा है या फिर इस ये राजा का पोता है इस तरीके से हमें एक वंशा मिली मिल जाती थी जिससे हमारी जो पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको कंस्टिट्यूट करने में हेल्प हो जाती थी ठीक है तो इसका बहुत फ़ायदे इसके बहुत अपने अपने अलग ही इसके फायदे ठीक है नाउ ये जो रॉयल लैंड ग्रैंड है मतलब जो भी जमीन दान में दी जाती थी इसके ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन बनते थे इसको अग्रहाराज बोला जाता है ओके ऐसे भी थे हमारे पास जो कि राजाओं के ऊपर बेस्ड थी नॉर्मली राजा इट मीन्स कि जो उनकी प्रशंसा के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन्स लिखे गए उनके सम्मान के ऊपर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स कि उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी अच्छी अच्छी बातें की मतलब प... टोटल चीज़ें उनके ऊपर सिर्फ उनके ऊपर तो ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन्स भी थी जो कि नॉर्मली राजा के सम्मान के ऊपर लिखी जाती थी उनके कोर्ट पोएट्स के द्वारा जो कि उनके दरबार के कवि होते थे दरबार के लेखक होते थे उनके द्वारा वो लिखी जाती थी ऐसे इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ती बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इंस्क्रिप्शन के जैसे हो गया हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारा वेला का ये जो खारा वेला इंस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली किंग खारा वेला था कलिंगा का ये उसका इंस्क्रिप्शन बना हुआ है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है ठीक है एंड दूसरा एग्जाम्पल है आपका अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये समुद्र गुप्ता जो किंग था गुप्ता किंग का ये उसके ऊपर बेस्ड है अलाहाबाद पिलर ठीक है ये समुद्र गुप्त के ऊपर बेस्ड है उनके सारे अचीवमेंट्स उन्होंने क्या क्या काम किए क्या क्या, क्या, क्या उनकी विशेषताएँ थी जितनी भी चीज़ें थी वो सारे इन इंस्क्रिप्शन में दिए गए हैं ओके कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे थे जैसे कि शहरताज़ शाका शत्राप्स एंड कुशानस इनके इंस्क्रिप्शन को इंडियन नेम्स मिल गए थे दो और तीन जनरेशन में ही जो भी इंस्क्रिप्शन थे ये हमें सोशली एंड रिलीजियस वॉलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है मतलब ये जो भी इंस्क्रिप्शन थे ये सोशल एंड रिलीजियस वॉलफेयर जो एक्टिविटीज़ थी समाज के लिए धर्म के लिए जो भी ऐसी कार्य थे एक्टिविटीज़ थे ये सारी चीज़ें हमें इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती हैं तो देखो जैसा कि हमने देखा था संस्कृत जो है एक बहुत ही मेन लैंग्वेज बन गया था एक रिलीजियस लैंग्वेज बन गया था एक रॉयल लैंग्वेज बन गया था सारे इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो संस्कृत में लिखने चालू हो गए थे एक टाइम के बाद ओके तो संस्कृत एक रॉयल रॉयल इंस्क्रिप्शन का लैंग्वेज बन गया था जितने भी रॉयल इंस्क्रिप्शन होते थे जितने भी राजाओं के इंस्क्रिप्शन बनते थे रॉयल इंस्क्रिप्शन जो भी होते थे वो सारे संस्कृत में देखे जाते थे तो संस्कृत एक प्राइम प्लेस आपको पाई कर गया था एक मेन प्लेस ऑक्यूपाई कर गया था आपके गुप्ता पीरियड तक गुप्ता पीरियड के बाद से जितने भी आपके इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको संस्कृत के लैंग्वेज में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पे अलावर पिलर के बारे में बताया गया ये जो अलावर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था ये समुद्र गुप्ता के बहुत सारे जो अचीवमेंट्स थे जो भी उनकी सक्सेस थी वो सारी चीज़ें बताता है इनस्टिड इलाहाबाद पिलर समुद्र गुप्ता जो किंग थे टोटली उन पे बेस्ड था मतलब अलाहाबाद पिलर का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें टोटली समुद्र गुप्ता के बारे में हर चीज़ बताई गई है हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कितने अच्छे थे कितने दयालु थे उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़ी उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए सब चीज़ सारे अचीवमेंट्स बट स्टिल जो समुद्रगुप्त थे वो इंडियन हिस्ट्री में आज भी गुमनाम है ठीक है अभी भी गुमनाम थे ये सारी चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे। बहुत सारे जो गुप्ता एपिग्राफी थी मतलब बहुत सारे जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन की स्टडी थी उसमें हमें जेनियोलॉजी देखने को मिलती है जेनियोलॉजी इट मीन्स वंशावली कौन सा राजा किसका बेटा है कौन से बेटे का राजा कौन है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ये जो जर्नोलॉजी वाला सिस्टम था और बोल सकते हो ये जो प्रैक्टिस थी मतलब इंस्क्रिप्शन में अपने दादा पर दादा अपने बेटे अपने भाई इन सब का जो मेंशन करने वाला जो सिस्टम था ये ना आगे के डनेस्टीज में भी चलते रहा मतलब जो भी उनके बाद आगे के वंश आए दूसरे वंश आए दूसरे राजा आए उनकी डाइनेस्टीज में भी उनके वंश में भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली देखो इससे एक फायदा ये हुआ कि जो भी हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता था चाहे हम किसी भी राजा के बारे में हम स्टडी करें कोई भी राजा के बारे में स्टडी करें हमको उनके पूरे खानदान की जो अचीवमेंट्स होती थी उनके पूरे खानदान का डिटेल मिल जाता था जिसके कारण से हमें हिस्ट्री कंस्टिट्यूट करने में ईजी होता था यहां पर दो एग्जाम्पल दिए गए ऐसे है फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है चालुक्य किंग पुलशिन टू का जिनकी इंस्क्रिप्शन में उनके पूरे खानदान के बारे में देखने को मिलता है उनके इंस्क्रिप्शन है आई होल की इंस्क्रिप्शन इसमें हमें सब चीज़ देखने को मिलेगा चालुक्य किन पुलकेशिन टू से रिलेटेड ठीक है एंड जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन है वो है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भोजा राजा का जो भोजा राजा थे उनका जो इंस्क्रिप्शन था तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ये सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें भी हमें भोजा राजा के पूरे एंसिस्टर्स उनके लाइफ अचीवमेंट सब चीज़ हमें देखने को मिलेगी टोटल रिलेटेड उनके डायनेस्टी से पूरी चीज़ रिलेटेड हमें देखने को मिलेगी कुछ इंस्क्रिप्शन हमारे पास ऐसे भी थे जिसमें हमें डैम्स वगैरह रिजर्वोयर टैंक कुएं मतलब देखो गांव में जो भी चीज़ें बनती है जैसे कि डैम हो गया तालाब हो गए पानी की टंकियाँ हो गई ठीक है कुएं वगैरह हो गया तो कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी थे जिसमें ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्डेड थी ठीक है फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका जूनागढ़ का ये जो जूनागढ़ का जो ग्रीनार इंस्क्रिप्शन था ये एक्चुअली शाखर उमन का बनाया हुआ था इनके ऊपर बेस था इसमें जो इनकी कंस्ट्रक्शन थी एक वाटर रिजर्वर की मतलब पानी से, पानी से का जो टैंक था बोल सकते हो जैसे कि एक लार्ज अमाउंट में जो पानी स्टोरेज होता है तालाब से बड़े अमाउंट का उसको रिजर्वर बोलते हैं ठीक है तो एक वाटर रिजर्वर का कंस्ट्रक्शन था जिसका नाम है सुदर्शन लिख जो कि रुद्र दामन ने स्टार्ट करवाया था ये स्टार्ट हुआ था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एंड ये कंप्लीट हुआ था आपका जाकर के अशोका के टाइम पीरियड में रिपेयर हुआ ये फिर से आपका सेकेंड सेंचुरी सी बोल सकते हो इट मीन कि जो क्राइस्ट का जन्म था मतलब जो जीरो टाइम पीरियड था उससे करीबन 200 साल बाद ये फिर से रिपेयर हुआ तो इसका जो पूरी हिस्ट्री है इसके बारे में जो पूरी डिटेल चीज़ है वो आपको इस जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ का ग्रिनार इंस्क्रिप्शन इसमें देखने को मिल जाएगी ठीक है रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है ओके इसके अलावा और अगर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जिसमें आपको अलग अलग से चीज़ें देखने को मिलेंगी या फिर जो अलग अलग से चीज़ें जिसमें प्रेजेंट है जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपको लेबल्स देखने को मिलेंगे कोई भी डायनेस्टी है कोई भी किंग है उसका अपना अपना लेवल चलता था उसके अपने अपने आप बोल सकते हो पहचान चिन्ह चलती थी तो आपको कुछ इंस्क्रिप्शन में वो भी देखने को मिलेगा कुछ इंस्क्रिप्शन्स में आपको दीवार पे बने हुए पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे कुछ इंस्क्रिप्शन में आपको रिलीजियस चीज़ें रिलेटेड देखने को मिलेगी कुछ इंस्क्रिप्शन में आपको सील्स पे चीज़ें लिखी हुई देखने को मिलेगी तो ऐसे भी अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट थे ओके okay, ना देखा जाए तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही वैल्यूबल टूल है हिस्टोरियंस इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं मतलब उनके लिए बोल सकते हो एक जादू की छड़ी है जिससे वो अच्छे तरीके से हिस्ट्री को करने में उन्हें हेल्प मिलती है मदद मिलती है आपको इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जैसे कि हमने देख लिया इंस्क्रिप्शन में आपको राजा के बारे में डिटेल में चीजें को देखने को मिल जाती है इसके साथ साथ राजा की जो भी एंसेस्ट्री है उनके जो भी डायनेस्टीज है उनके जो भी पूर्वज है उनके ऊपर जो भी किंग थे उस उस रिलेटेड उन उन सब के बारे में भी आपको उसमें चीज़ें देखने को मिल जाती है पूरी डिटेल हिस्ट्री बोल सकते हो आप इंस्क्रिप्शन में किसी भी राजा के बारे में किसी भी डायनेस्टिक के बारे में आपको देखने को मिल जाती है तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हो बहुत ही वैल्यूबल सोर्स भी है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इंस्क्रिप्शन में आपको जेनोलॉजिस्ट देखने को मिल जाती है वंशावरी देखने को मिल जाती इट मीन्स कौन सा राजा है? कौन से राजा से बिलोंग करता है कौन सा राजा किसका बेटा है कौन सा राजा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है तो आपको इसमें जेनोलॉजी भी देखने को मिल जाती है वंशावली भी देखने को मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो यहाँ पे आ, जो पालवा रोलर का जो इंस्क्रिप्शन था चालुक्या रोलर का जो इंस्क्रिप्शन था चोला रोलर का जो इंस्क्रिप्शन था उनके टाइम पीरियड का जो भी इंस्क्रिप्शन था उसमें आपको रेवेन्यू सिस्टम्स देखने को मिलती है एग्रीकल्चर डिटेल्स देखने को मिलती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है तो देख रहे हो सिर्फ राजा के बारे में ही नहीं सोसाइटी के बारे में भी सोशल चीज़ों के बारे में भी आपको इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकती है तो बहुत अच्छा सोर्स है इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसीलिए हिस्टोरियंस इसको बहुत ही रिलायबल और वैल्युएबल सोर्स मानते हैं ओके okay, ना और चीज देखो तो इंस्क्रिप्शन का और भी बहुत सारा यूज है फॉर एग्जाम्पल जिस भी स्कप्पचर्स में देखो इंस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ पत्थरों में तो देखने को नहीं मिलती ना इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है इंस्क्रिप्शन आपको बर्तनों में देखने को मिल जाएगी आपको दीवारों पे देखने को मिल जाएगी इंस्क्रिप्शन आपको स्कप्चर्स मूर्तियाँ वगैरह में मंदिरों में मंदिरों के दीवारों में बड़ी बड़ी मीनारों में महलों में देखने को मिल जाएगी हर चीज़ में इंस्क्रिप्शन देखने, तो देखने को मिल जाएगी तो जिस भी चीज़ में हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है हमें हम उस चीज़ का टाइम पीरियड भी पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में ये स्कप्चर बना था या फिर किस टाइम पीरियड में ये मूर्तियाँ बनी थी फिर किस टाइम पीरियड में ये बर्तन बने थे जो किस में इंस्क्रिप्शन के गया तो इससे हमें उस चीज़ों बारे हम डेट भी बता सकते हैं हम उस चीज़ों का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं तो ये भी हमें हेल्प करता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट के बारे में बताता है जो धर्म उस समय चलते थे हमारे पुराने टाइम पीरियड में जो कि आज के डेट में खत्म हो चुके हैं एक्सटेंट हो चुके एक्सटिंट हो चुके हैं जैसे कि अजीविकास ये जो आपका रिलीजियस सेक्ट है ये आज के डेट में प्रेजेंट नहीं है बट एंशियंट में ये प्रेजेंट था तो हिस्टोरियंस हम सॉरी इंस्क्रिप्शन हमें रिलीजियस टेक्स के बारे में भी बताते हैं ओके okay, इंस्क्रिप्शन इसके साथ साथ हमें हिस्टोरिकल जोग्राफी बताता है आइकोनोग्राफिक हिस्ट्री बताता है आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें भी बताता है हमें रिली लिटरेचर और लैंग्वेजेस की हिस्ट्री भी बताता है ठीक है परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि संगीत हो गया ठीक है डांस हो गया ये सब चीज़ें के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शंस बताता है इसीलिए इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि रि ट्रेडिट टेक्स में आपको रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी मतलब वो ज़्यादातर धार्मिक तौर पर बोल सकते हो धार्मिकता के तौर पे रहता है ठीक है बट इंस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में हर चीज़ें देखने को मिलेंगी इसीलिए इंस्क्रिप्शन ज़्यादा रिलायबल है ओके okay, ना अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोन्यूमेंट्स इमारतें अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है हमारे इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए कॉइंस हो गया इंस्क्रिप्शन हो गया इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प मिल सकती है उसमें हो गया आपका मोनूमेंट्स मॉनूमेंट्स भी एक एग्ज़ाम्पल है देखो देखो जो भी टेम्पल्स होते हैं जो भी स्कप्चर्स होते हैं ये सारे आपके मॉन्यूमेंट्स के एग्ज़ाम्पल में आते हैं ये जो भी टेम्पल्स और स्कप्चर्स हैं मतलब मंदिर वगैरह हो गया, गया या फिर छोटी छोटी जो, जो मूर्तियाँ होती है ये आपके इंडिया में कंट्री में आपको सारी जगह पे मिलेगा ठीक है ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिलेगा करीबन ये गुप्ता पीरियड से ही प्रेजेंट है आज के टाइम पीरियड तक मतलब गुप्ता पीरियड से लेकर के आज के टाइम पीरियड तक ये सारे मंदिर वगैरह स्कप्चर्स वगैरह प्रेजेंट है हमारे पास ठीक है ये जो भी मंदिर वगैरह है यह भी जो भी स्कल्पचर्स वगैरह है ये हमें आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक हिस्ट्री बताता है इंडियन कल्चर की साथ साथ इंडियन कल्चर ने कितना अचीवमेंट्स किया ये सारी चीज़ें भी दर्शाते हैं कितने नई तरीके की मंदिरें बनती गई कितना भव्य मंदिर बनता गया सब चीज़ हमें दिखाते हैं जो भी आर्किटेक्चर इसमें यूज़ हुआ है जो भी आर्टिस्टिक फीचर इसमें यूज हुआ है कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा आर्टिस्टिक फीचर यूज़ हुआ है कौन कौन से आर्टिस्टिक फीचर कौन कौन से रीज़न के आर्टिस्टिक फीचर से डिफरेंट है कौन कौन सा किंग कौन कौन से रीजन को बिलोंग करता था सब चीज़ सब चीज़ हमें बताता है मतलब बोला जाए तो आप एक इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए सोसाइटल या फिर जो रिलीजियस है या फिर जो भी आर्किटेक्चरल फीचर्स है सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है आपके मॉन्यूमेंट्स में मॉन्यूमेंट्स का जो भी एग्जांपल है जो भी टाइप है इसमें हो गया आपका जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लार्ज केव्स का ठीक है आर्किटेक्चर में आपका हो गया लार्ज के बड़ी बड़ी गुफाएं जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं ये आपके वेस्टर्न इंडिया के जो हिली रीजन्स है उसमें एक्सकवेट करके निकाला गया था देखो अगर आप अजंता एंड एलोरा के बारे में थोड़ा सा देखो तो ये जो अजंता और एलोरा है ये दोनों ही आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के आज का डेट का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाया जाता है अगर हम अजंता के बारे में देखें देखो ये जो अजंता है ये एक्चुअली ये जो अजंता केव है ये एक्चुअली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है मठ बुद्धिस्ट लोगों का मठ इसमें आपको बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये भी बोल सकते हो ये बुद्धिस्ट आर्ट के लिए फेमस है ये जगह मतलब यहाँ पर आपको एंशियन टाइम का जो बुद्धिस्ट आर्ट है अजंता केवस में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे करीबन तीस से ज़्यादा रॉक कट बुद्धिस्ट टेम्पल्स है इस अजंता केव्स में ओके ये जो अजंता केव है ये ओल्डेस्ट और बोल सकते हो आपको अर्लीस्ट फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है इंडियन कल्चर का इंडियन आर्किटेक्चर का इंडियन आर्ट का ठीक है इस केव्स में आपको बहुत सारे पेंटिंग्स रॉक कट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो पेंटिंग्स है जो पत्थर से काट करके जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं मूर्ति बनाए गए आपको अजंता केव्स में देखने को मिलेंगी साथ ही साथ ये जो अजंता केव है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में माना जाता है एलोरा को भी देखोगे तो ये इलोरा भी यूनेस्को युन, का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है इलोरा एक्चुअली हिंदू टेंपल है ठीक है एलोरा का जो केव्स है वो एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है रॉक कट हिंदू टेंपल पत्थरों से काट करके हिंदू टेंपल बना है कैलाश टेंपल भी इसी में इलोरा में ही प्रेजेंट है ठीक है कैलाश टेंपल नॉर्मली जो भगवान शिव हैं उनके लिए बनाया गया है वो डिवोटी हैं उनके ओके ये जो एलोरा टेम्प एलोरा केव्स है इसमें आपको सौ से भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे नॉर्मली आपको इसमें हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन तीनों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे ओके okay, तो देख लो कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं रॉक का टेम्पल्स है आपको इन सारे केव्स में देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया कैलाश टेम्पल एलोरा का साथ साथ यहाँ पर रथ टेम्पल भी है जो कि ममालापुरम में है ठीक है ये साउथ में है तमिलनाडु Yeah. <laughs> ये जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये जो भी इमारतें हैं ये हमें मेरावल पीरियड का जो भी शान था या फिर बोल सकते हो उस समय की जो रूलिंग क्लास थी जो समय राज करता था जिस किंग का वो रीजन चल रहा था जिसमें ये सब बना है उसका जो शान शौकत है उसकी समृद्धि है उसकी जो रिचनेस है कितना अमीर है ये सब चीज़ शो करता है साथ साथ डिफरेंट एरिया का मतलब कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टेम्पल्स बने हैं उसका जो रीजनल स्टाइल आर्किटेक्चर का हमें वो भी बताता है जैसे कि एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि कैलाश टेम्पल हो गया एंड रथ टेम्पल ममलापुरम का कैलाश आपका इलोरा में है एंड जो, में है, और जो टेम्पल है, में होता है।, दिफ्रेंग दिफ्रेंग में है तो दोनों का जो आर्किटेक्चर है वो भी ना। दोनों के जो, जो स्टाइल होगा हो तो ये सारी चीजें भी बताती कि कौन सा मंदिर कौन से एरिया में था उसका जो आर्किटेक्चर क्या है उसका जो रीजनल स्टाइल क्या है आसपास की जो सोसाइटी का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है जो आर्ट का स्टाइल है ये सब चीज बताता है ठीक है ओके okay. नाउ यहाँ पे बताया गया ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस का जैसे हो गया आपका तक्षशिला कुशाम्बी काशी अयोध्या वैशाली बोधगया इन सब के बारे में भी आपका मोनूमेंट्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है माना जाता है कि ये जितने भी एरियाज थे तक्षशिला को छोड़ करके कुशाम्बी काशी अयोध्या वैशाली बोध गया लॉर्ड बुद्धा जो कि भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा इन सारे एरियाज को विजिटेड किया गया मतलब लॉर्ड बुद्धा ये सारे एरिया को विजिट करके आए हैं घूम करके आए ऐसा माना जाता है सिक्स सेंचुरी बी में ओके तो यहाँ पे आपका मोन्यूमेंट्स का जो तो टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे दो फिगर दे गए ये जो पहला फिगर है ये कैलाश टेंपल इलोरा केव्स का है एंड जो दूसरा फिगर है ये आपका रथ टेंपल पांच रथ टेंपल जो ममालापुरम चेन्नई तमिलनाडु में प्रेजेंट है ओके okay. साथ साथ यहाँ पे एक और इमेज देखे ये इमेज एक्चुअली कुशंबी की जो मुनास्ट्री है जो मठ है बुद्धिस्ट मठ ये उसका इमेज दिया गया है देखो आज के टाइम में ये ऐसा बन गया है okay. ओके तो यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही इग्नो से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डी एम कर सकते हो कोई भी क्वेरी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो गाइज़ थैंक यू